Hi all and welcome back to another vlog. So आज के vlog में I will walk you through my grocery run here in USA और मैं आपको एक estimate दिखाऊंगी कि एक हफ्ते की normal groceries का कितना यहाँ पे cost रहता है for us to do. I'll not be buying something extremely fancy, just the basic stuff जो available है. Last video में आपने मेरा Indian store का experience देखा था, इस बार मैं आपको बस यहाँ पे milk, bread and things like vegetables जो daily basis पे consume होती हैं, जिसके लिए आपको हर हफ्ते shopping करना पड़ता है, वो दिखाऊंगी. तो इंडिया की तरह यहाँ पे वो concept नहीं है कि आपके घर के बाहर कोई आएगा सब्जियाँ बेचने, आपको ऐसे सुपर मार्केट आना पड़ता है और वहाँ से फ्रेश वेजिटेबल्स शॉप करनी पड़ती हैं. तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. कह सकते हो ये 150 रुपीस की तो ये ब्रेडी ब्रेड है जो आई थिंक 55 रुपीस में आती होगी. 160 टू 170 रुपीस में आपको आधा किलो टमाटर मिलेंगे. तो मैं अभी आ गई हूँ क्रोगर्स एंड आई एम गोइंग टू बिगिन माय ग्रोसरी रन नाउ. सो आई हैव जस्ट टेकन दिस कार्ट एंड नाउ आई विल बी गोइंग इनसाइड. सो आई हैव अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स. तो पहले मैं यहाँ पे थोड़ी वेजिटेबल्स लूँगी एंड आई एम टेकिंग कोल्सलॉ विच इज़ बेसिकली बहुत सारे वेजिटेबल्स को ऑलरेडी यहाँ पे चॉप करके यू नो स्लाइस करा हुआ है. सो आई एम हैविंग दिस एंड मशरूम्स. यस और यहाँ पे अगर आप देखो तो इट्स बिग, इट्स वेरी वेरी बिग. यहाँ पे आपको सारी वेजिटेबल्स एंड सारी फ्रूट्स जो है फ्रूट बहुत मतलब फ्रेश मिल जाएंगे यहाँ पे. सो आई कम टू दिस सेक्शन नाउ एंड और फिर मुझे लेने हैं थोड़े टमाटर. तो यहाँ पे जो टोमेटोज़ हैं यू कैन सी दीज आर $2 पर पाउंड, मतलब 500 ग्राम के टोमेटोज़ $2 के हैं विच इज़ अराउंड 160 टू 170 रुपीज़ में आपको आधा किलो टमाटर मिलेंगे. तो यस मैं थोड़े से इसमें से टोमेटोज़ लूँगी. उसके लिए फ़र्स्ट आई नीड टू टेक अ बैग फ्रॉम हियर एंड पुट द टोमेटोज़ इनसाइड इट. ऐसे आई हैव टू टेक सम एवोकाडोज़ ऑल्सो बिकॉज मैं लाइक आई कंज्यूम एट लीस्ट वन एवोकाडो एवरी डे बिकॉज आई रियली रियली लाइक देम. वो मुझे लेना है. देन फ्रॉम दिस साइड आई विल बी टेकिंग स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लूबेरीज फॉर माई फ्रूट्स एंड फॉर द एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज दैट दे हैव एंड लेट मी सी व्हाट एल्स डू आई नीड. अनियंस, तो यहाँ पे अगर आप अनियंस देखो तो ये 1.5 किलो अनियंस $3 के हैं विच इज़ अराउंड आप कह सकते हो कि अराउंड 240 या 250 रुपए में आपको 1.5 किलो के अनियंस मिलेंगे यहाँ पे. आई विल टेक दीज अनियंस. तो यहाँ ये थोड़े से येलो अनियंस हैं, देन देर आर रेड अनियंस एंड देर आर वाइट अनियंस. तो आई प्रेफर वाइट, रेड एंड येलो, ऑल थ्री ऑफ दीज आई एम फाइन विद दीज. तो आई विल जस्ट टेक दिस वन. एक चीज़ है जो मैं आप सबको दिखाना चाहूँगी जो है ये लैंटर्न पम्पकिंस. तो इन पम्पकिंस को खाने के लिए नहीं, सिर्फ हैलोवीन में लैंटर बनाने के लिए यूज़ होगा. एंड ये है $4 का एक पम्पकिन. सो दे विल बी यूज एक्सक्लूसिवली टू मेक लैंटर्न्स. यहाँ बहुत सारे ऐसे पम्पकिंस हैं अलग अलग साइज़ के. देयर आर दिस बी रियली बिग पम्पकिंस. ये तो बहुत ही बड़ा पम्पकिन है, माय गॉड. तो इसके अंदर कार्व करके यू नो डेकोरेशंस बनाते हैं और वहाँ थोड़े छोटे पम्पकिन हैं पीछे की साइड पे. तो यहाँ पे अगेन देर आर लॉट ऑफ सॉसेस एंड लॉट ऑफ लाइक पैकेज डिप्स एंड ऑल. और दूसरी साइड पे ये सेक्शन जो है इट वेंट आउट ऑफ फोकस, बट देर आर लॉट ऑफ लाइक यू कैन से केक्स एंड मफिन्स फॉर ऑल योर स्वीट क्रेविंग्स, चीज़ केक्स ये सब है. तो आई एम नॉट गोइंग टू बाई एनी ऑफ दीज बिकॉज दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ माई ग्रोसरी रूटीन. और फिर यहाँ पे हैं प्रॉन्स एंड फिश. एंड फिश में से येस आई एम गोइंग टू टेक सामन बिकॉज सामन इंडिया में बहुत एक्सपेंसिव है बट यहाँ सस्ता है एंड इट्स रियली रियली गुड फॉर हेल्थ. सो दे हैव ऑल दिस हियर फॉर सी फूड विच इज़ ग्रेट.
A lot of these rolls are here just for your sweet cravings, or it's delicious. I mean, I just feel like diving into these and having these right away, but I know it's not very good for my health. So I don't consume beef, but यहाँ पे आपको हर तरह का meat मिल जाएगा, including chicken, beef, pork and everything. So I only eat chicken and fish, and yes, prawns, seafood, but not beef. So I'm not taking any of those. More sweet cravings here. Lot of cheese. तो यहाँ पे आपको जैसे Tom and Jerry में देखने को मिलता था, वैसे ही बड़ा बड़ा cheese मिलेगा. But I don't have a lot of this cheese as well. मैं cheese consume करती हूँ but not too much. And I try to limit my day-to-day, like, you know, food to like more of something which is healthy. A lot of cheese here as well. So I am going to take some chicken because मैं chicken को ज़रूर daily basis पे खाती हूँ, क्योंकि मैं दाल वगैरह नहीं बना पाती हूँ यहाँ पे. So I am going to take some chicken and yes, probably just some chicken. तो यहाँ अभी मैं ले रही हूँ yogurt, and this is for I think $2.69. Here goes my yogurt. So this is like the egg section. और मैं यहाँ eggs ले रही हूँ, तो ये इसके अंदर I think 18 eggs हैं और ये $3 का है, मतलब 250 रुपये के almost ये 18 eggs हैं यहाँ पे. Where is it? There it goes. मैं आई हूँ दूध के सेक्शन में, तो ये है स्किम मिल्क, हम यूजली यही पीते हैं, तो मैं ये मिल्क लूँगी अब. सो हियर गोज माई मिल्क. आई एम टेकिंग हाफ अ गैलन ऑफ मिल्क फॉर 129. सो बिफोर आई प्रोसीड, मैं एक बार आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरी अभी तक कार्ट में क्या क्या है. देयर इज चिकन, तो ये मेरे को 2 हफ्ते के लिए लास्ट करेगा ये चिकन जो है. एंड देन ये सामन फिश है, और फिश हो गई, अनियंस, बनानास, दीज आर जस्ट बेल पेपर्स, अवोकाडोज, फिर ये एग्स हैं, अंडे, ये टमाटर, ये मशरूम हमने लिए है, और साथ में है ये सैलड के लिए थोड़ा, क्योंकि यूजुअली मैं एक मील में सैलड ही खाती हूँ, बिकॉज रोटी वगैरह बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है. तो अभी तक इतना लिया है, एंड नाउ विल बी टेकिंग सम मोर स्टफ. लॉट ऑफ डोनट्स हियर, क्रिस्पी क्रीम के, बट ऑफ कोर्स हम डोनट्स खाते ही नहीं हैं. तो ये सारे प्लांट बेस्ड चिकन मीट ऑप्शंस रहते हैं यहाँ पे, जो मतलब वीगन जो लोग होते हैं और वेजिटेरियन, इनके लिए बहुत सही रहता है. तो बट आई एम नॉट गेटिंग एनी ऑफ दोज, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फ्रेश चिकन ले लिया है यहाँ पे, और अभी दूध भी ले लिया है. तो आगे चल के देखते हैं और क्या ऑप्शन हैं यहाँ पे. और मैंने आपको पहले जैसे दिखाई थी, ये फ्रोज़न वेजीज रहती हैं मोस्टली यहाँ पे सब. तो जैसे अगर मुझे ग्रीन बीन्स चाहिए, तो फ्रोज़न पूरी आई कैन जस्ट बाय फ्रॉम हियर, और एकदम पैन में डाल के आई कैन मेक बीन्स की सब्ज़ी लाइक दैट. आई एम नॉट गेटिंग एनी ऑफ दोज, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी थोड़ी सी है. मैं यहाँ से ब्रोकली ले रही हूँ, क्योंकि ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है, एंड दिस इज़ इनफ फॉर अ मील. और ये सैलड्स में या पास्ता वगैरह में भी यूज़ होता है, तो आई एम टेकिंग दिस. सो दिस इज़ ईच वन इज़ फॉर लाइक $1, 82 रुपीस का भी जो रेट है उस हिसाब से आप देख लो. मैंने दो ये भी ले लिए. एंड नाउ इफ आई गो अहेड, ये बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, मैं यहाँ भी जाऊँगी सामने, ये सब किचन टॉवल्स हैं. एंड नाउ इट्स माय फेवरेट सेक्शन जो है पिज़्ज़ास. तो आई डू टेक अ लॉट ऑफ फ्रोजन पिज़्ज़ास खाने के लिए, बट दिस टाइम आई थिंक आई हैव टू थिंक अबाउट इट एक बार. तो यहाँ एक फ्रोज़न पिज़्ज़ा आपको मिल जाएगा अराउंड आई थिंक $5-$4, विच इज़ नॉट मच, मतलब 400 रुपये में काफ़ी बड़ा एक फ्रोज़न पिज़्ज़ा आ जाता है. पिज़्ज़ाज थोड़े से यहाँ सस्ते हैं कंपेयर टू लाइक यू नो डोमिनोज एंड एवरीथिंग. ये है पूरा सेक्शन आइसक्रीम्स का, यहाँ आपको तरह तरह की आइसक्रीम्स मिलेंगी, एंड सबसे ज़्यादा मतलब टेम्पटिंग सेक्शन यही है. तो यहाँ पे पीछे गोडाइवा की आइसक्रीम्स हैं, एंड Oberweis is there, then there is Haagen-Dazs. I'm really tempted to buy, so I think I'll be buying one of these ice creams.
मेरी फेवरेट आइसक्रीम यूजुअली ये रहती है बेन एंड जेरीज की, विच इज़ वेरी वेरी गुड. न्यूयॉर्क फज, दिस इज़ माई, दिस इज़ माई फेवरेट वन. बट देखते हैं आज मैं कुछ और ट्राई करूँ प्रॉपर्ली. दिस सेक्शन के बारे में कुछ नहीं ले रही हूँ बिकॉज आइसक्रीम आर नॉट गुड फॉर हेल्थ. और अब जाके थोड़े से सॉसेज और ऑलिव्स वगैरह ले लेंगे जो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं मतलब सैलड वगैरह के साथ. तो यहाँ पे आप ये जो पूरा सेक्शन है इसमें और लाइक फ्रोजन फूड्स और स्मूदीज में यूज़ कर सकते हैं. आई डोंट थिंक इंडिया में इतना कॉमन है क्योंकि वहाँ सब कुछ अभी भी फ्रेश चल रहा है. पर ऑल ऑफ दिस लाइक फ्रूट्स एंड थिंग्स दैट यू नो लाइक पॉपसिकल्स सब कुछ मिलता है. हैलोवीन आने वाला है तो यहाँ ये उसका थोड़ा डेकोरेशन का सामान है बट आई एम नॉट बाइंग दैट बिकॉज वो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ माई ग्रोसरीज. एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ इंडियन स्टूडेंट्स सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है कि वो डेली बेसिस पे क्या मील्स कंज्यूम करते हैं. बट मेरा क्या रहता है, आई यूजली हैव लाइक अ चिकन करी नहीं तो अ काइंड ऑफ करी विच वुड बी चिकन और एग. और उसके साथ में आई यूजली टेक अ साइड ऑफ सैलड और समटाइम्स राइस एंड समटाइम्स टॉर्टिया. तो टॉर्टिया क्या होता है, यहाँ जो रोटीज़ होती हैं बट रोटी हमारे घर में पूरी वीट की रहती है, यूजली होल वीट नहीं होता, मैदा भी रहता है इसके अंदर. सो दीज आर फ्लावर टॉर्टिया. सो दिस इज़ द क्लोजेस्ट थिंग दैट यू कैन गेट टू रोटीज हियर अगर आप खुद ना बनाते हो. और मेरे पास तो चकला मिलना वगैरह भी नहीं है क्योंकि मेरे को रोटी बनाना नहीं आता. तो आई एम गोइंग टू हैव सम ऑफ दीज रोटीज़ क्योंकि मेरे लिए दिस इज़ द क्लोजेस्ट थिंग दैट आई कैन गेट टू रोटी. तो ये यूजली होल वीट के नहीं है बट होल वीट टॉर्टियाज भी आते हैं. So I am going to take one of these with me and put them in here. So bread बहुत एक essential चीज़ है यहाँ breakfast के लिए. तो I am going to take bread. तो एक ये bread and I am also going to take one more bread क्योंकि usually मेरा lunch dinner में भी मैं bread consume करती हूँ. So this bread is for around you can say around $1, $2. So it is $1.70 and आप कह सकते हो ये 150 rupees की तो ये bready bread है जो आई थिंक 55 rupees में आती होगी. So two of these breads and bread is definitely very very essential. बाकी यहाँ पर बहुत सारी beverages हैं like Pepsi and all which I don't consume. So of course I'm not going to take any of those. तो यहीं जस्ट नेक्स्ट टू द ब्रेड सेक्शन इज द अल्कोहल सेक्शन जहाँ बियर एंड थिंग्स लाइक दैट जो अगर आप ड्रिंक करते हो आप ले सकते हो. तो पीपल कंसिडर दिस ऑल्सो पार्ट ऑफ देयर ग्रोसरी एंड दे डू बाय इट. बट सिंस आई डोंट ड्रिंक तो मैं लाइक आई डोंट कम टू दिस सेक्शन बट आई थॉट आई शुड शो इट इन माई व्लॉग एज वेल. दिस इज़ द वाइन सेक्शन. तो यहाँ पे इफ वाइन शॉपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ योर ग्रोसरीज यू कैन डू दैट टू. बट ऑफकोर्स सिंस आई डोंट ड्रिंक आई डोंट गेट एनीथिंग फ्रॉम हियर. तो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि तो इट डिपेंड्स फ्रॉम बेसिकली पर्सन टू पर्सन यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कंज्यूम करना चाहते हैं. कुछ स्टूडेंट्स येस दे डू मेक दाल चावल रोटी रोज़ बनाते हैं बट टाइम नहीं रहता. मेरा इसलिए क्या रहता है कि आई यूजली ट्राई टू टेक मोर ऑफ प्रोटीन्स लाइक चिकन फिश एंड साथ में सैलड्स एंड ऑन अ साइड इफ़ आई वॉन्ट तो टॉर्टिया रैप्स कभी कभी नहीं तो ब्रेड and it's sometimes rice. This is the major things that I consume and which actually most of the students here consume. But kuch aise students bhi hote hain jo aata khareed ke laate hain and then they make rotis and they cook rice and they make idlis also. But I don't think I'm so hard working as them. So you can get your flowers also from here and if you're like just on the way and you want to pick up something you can get it also from here. Aur isi ke sath isi ke andar so there is also a Starbucks right here. If I show you it is like inside Kroger's and piche hi if you see there is a pharmacy where you can like literally order like you know get your prescription. There is this entire pharmacy matlab jo aap India mein chemist ki shop kehte hain wo yahin pe hai aur Starbucks bhi andar hi hai plus you get all vegetables and fruits. तो एक और एस्पेक्ट है ग्रोसरी शॉपिंग का जो मैंने कवर नहीं किया विच इज़ वाटर. तो बहुत लोग यहाँ पे एक्चुअली जो वाटर है ख़रीदना पड़ता है क्योंकि लोग डायरेक्टली टैप से नहीं पीना चाहते बिकॉज उसमें यूजुअली वो हार्ड वाटर रहता है. तो
तो यूजुअली अगर आप एक हफ्ते का एक बंदे का पानी की बात करोगे तो अराउंड आपका $5, $4 to $5 तो लग जाएंगे उसमें भी, बट मेरे पास पानी है इसलिए मैं आज नहीं ले रही। सो नाउ आई एम गोइंग टू द चेकआउट सेक्शन एंड आई विल बी स्कैनिंग ऑल ऑफ दीज आइटम्स ओवर हियर, सो जस्ट यस लाइक दैट। हमारा टोटल जो है सारा ग्रोसरीज हो गया है एंड दिस इज द बिल, कंप्लीट बिल इफ यू लुक फ्रॉम हियर। टोटल बिल $102 बन रहा है एंड नाउ वी विल ये सारी शॉपिंग और बिल आपने देखा ही, ऑलमोस्ट $102 का बना है विच इज़ अराउंड 8,500 तक आप कह सकते हो। और इसमें बस बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जिसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट, मिल्क, ब्रेड एंड जस्ट स्टफ लाइक दैट, नथिंग एट ऑल फैंसी। चिकन, मीट वगैरह तो बेसिक रहता है क्योंकि हम दाल कंज्यूम नहीं करते। काफ़ी सारी ग्रोसरीज हैं और अब मुझे इनको घर तक लेकर जाना है। ये जो आप बस देख रहे हैं जिसमें बैठी हूँ ये हमारी कैंपस की जैगलाइन है जिसमें यू जस्ट लाइक नीड टू हॉप ऑन, इसका कोई फेयर नहीं होता, ये स्टूडेंट्स के लिए एक शटल बस है। तो जो ग्रोसरी स्टोर था क्रोगर्स दैट इज़ वेरी क्लोज टू दी कैंपस और मैं इसी शटल बस में बैठकर अभी वापस जा रही हूँ अपने घर। थैंक यू, हैव अ गुड वन, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनीथिंग एल्स टू से टेल मी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड